हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 फरवरी के दिन है बसंत पंचमी। विद्यार्थियों को बसंत पंचमी पर किस तरह से पूजा करनी चाहिए ताकि उनका पढ़ने में बहुत अच्छे से मन लगे और जो भी वो पढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र उस दिशा में जो है ना उन्हें सही तरक्की मिले, तो इसके लिए क्या करना है, आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। कोई चौकी या पटा हो तो उसे ले लीजिएगा, उसके ऊपर आपको बसंती कलर का कपड़ा बिछाना है। अगर आपके पास बसंती कलर का कपड़ा नहीं है ना तो आप पीले कलर का भी बिछा सकते हैं। चावलों से इस तरह से छोटे छोटे तीन आपको आसन देने हैं। पहले आसन पर जो है ना गणेश जी की स्थापना करनी है आपको। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो सिपाड़े के रूप में गणेश जी की स्थापना कर लीजिए। उसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, माता सरस्वती की फोटो को विराजमान करना है बीच में। अगर आपके पास माता सरस्वती की अगर मूर्ति है तो आप यहाँ पर मूर्ति को भी विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, घी का दीपक तैयार करना है और दीपक में इतना घी जरूर डालिएगा जब तक आप पूजा कर रहे हो ना, दीपक अच्छे से जलते रहना चाहिए। तो ये पूजा जो है ना विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि विद्यार्थी चाहते हैं कि सरल सी पूजा हो और ज्यादा तामझाम भी ना करना पड़े, तो इस तरह से जो है ना आप लोग पूजा करना, सच में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा और बहुत छोटे छोटे से आपको उपाय भी बताऊंगी इस वीडियो में। तो ये सबसे पहले क्या करना है, आपको दीपक जलाना है। और हाँ, अगर आपके पास मोर पंख है ना तो इस पूजा में आपको मोर पंख भी जरूर रखने हैं, क्योंकि मोर पंख भी जो है ना विद्या का ही प्रतीक होता है। और मैंने तो बचपन में ये भी सुना है कि जब हम लोग पढ़ते थे ना, छोटे छोटे थे तो अपनी किताबों के बीच में मोर पंख रखते थे, और वो इसीलिए रखते थे ताकि हम जो पढ़े ना हमें जल्दी से याद हो जाए और विद्या माता जो है ना हमारी पुस्तक में विराजमान रहे। तो किस किस ने मोर पंख रखा है अपनी किताबों में मुझे जरूर बताना। इसके बाद मैंने क्या किया है, एक फूल में रोली चावल लगाकर दीपक का पूजन कर दिया और एक फूल में रोली चावल लगाकर गणेश जी का पूजन कर दिया। तो एक सरल तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा जल जो है ना सरस्वती माँ पर आपको छिड़कना है चार बार। क्यों छिड़का जाता है, कईयों बार बता चुकी हूँ, इस बार नहीं बताऊंगी। उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा केसर लेना है। अगर आपके पास केसर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो केवल आप केसर ही चंदन आता है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, केसर में थोड़ा सा आपको चंदन मिलाना है, थोड़ी सी आपको हल्दी मिलानी है। अगर चंदन नहीं है तो केवल अकेली हल्दी भी मिला लीजिएगा, बढ़िया कलर आ जाता है। इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है और इसको अपने हाथों से अच्छे से उंगली से बढ़िया से इसे बढ़िया से घिसिएगा और थोड़ा ज्यादा मात्रा में बनाइएगा, क्योंकि इसी चंदन से जो है ना आपको अपने माथे पर भी तिलक करना है। बसंत पंचमी के दिन अगर आप अपने माथे पर अगर केसरी चंदन से अगर तिलक करते हैं तो इससे आपकी बुद्धि बहुत तेज होती है, निगेटिविटी आपके दिमाग से निकल जाती है, सोचना बहुत कम कर देते हो और आपको अपने क्षेत्र जिस भी क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हो उस क्षेत्र में आपको तरक्की मिलती है। तो इसी केसरी चंदन से जो है ना माता को आपको तिलक करना है, चावल चढ़ाना है और बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल माता को अर्पित किए जाते हैं। तो अगर आपको मिल जाए तो चढ़ा दीजिएगा, अगर ना मिले तो जो फूल मिल रहे हैं वो भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अगर माला है आपके पास तो माला चढ़ा दीजिएगा। बसंत पंचमी पर क्या है, बसंती कलर की चीज़ें माता को जो है ना भोग लगाई जाती हैं। वैसे तो मीठे चावल बनाए जाते हैं, आपकी मम्मी भी बनाती होंगी मीठे चावल। अगर मीठे चावल अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो क्या करना है, आपको बाजार से बसंती कलर की कोई भी मिठाई लेकर जो है ना माता का भोग लगा दीजिए। इसके बाद आपको इत्र ज़रूर लगाना है। इत्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि माता सरस्वती जो है ना सुंदरता की मधुरता की प्रतीक है, तो इत्र लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इत्र आपको ज़रूर लगाना है। अगर आपके पास बांसुरी है तो बांसुरी को इस पूजा में आप ज़रूर रखें और आज के दिन आपको बांसुरी जरूर बजाना है। बांसुरी बजाना जो है ना बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। जन्माष्टमी पर भी जो है ना बांसुरी बजाई जाती है और इससे जो है ना कहते हैं जो भी आपके बांसुरी बजाने से जो है ना आपके जो भी मंद ग्रह होते हैं वो भी जो है ना खुल जाते हैं, तो बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। इसके बाद जो है ना आपको सिंदूर चढ़ाना है, हल्दी चढ़ानी है, अब्रक चढ़ाना है। तो किस तरह से चढ़ाना है, आप चाहें तो चुटकी से चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो फूल में थोड़ा थोड़ा लगाकर जो है ना माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपके पास पुस्तक है तो उस पुस्तक का जो है ना आपको पूजन करना है। तो इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिएगा, पेंसिल पर आपको कलावा बांधना है और इस तरह से पढ़ाई यानी विद्या का आपको पूजन जरूर करना है। तो इस तरह से आपको विद्या का पूजन करना है, जो भी पुस्तक आपको कठिन लगती है, आपको मतलब समझ में नहीं आ रही, उसका इस तरह से पूजन कीजिए और माता का आशीर्वाद रहा तो उनका सहयोग आपके साथ जरूर रहेगा। तो इस बिल्कुल सरल तरीके से मैंने यहाँ पर पूजन करना आपको दिखाया है। जब पूजन पूरा हो जाए उसके बाद आपको बांसुरी जरूर बजानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। खड़ी हल्दी की गांठें जो है ना माता पे चढ़ाई जाती हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, इससे भी बच्चे की बुद्धि बहुत तेज होती है।
गरुण घंटी, अगर आप डेली पूजा करते हो और डेली गरुण घंटी बजाते हो तो गरुण घंटी का आज के दिन पूजन जरूर करें, क्योंकि गरुण घंटी में से जो है ना स्वरों की ध्वनि निकलती है, तो इनका भी आज के दिन पूजन किया जाता है। इसके बाद आपको माता सरस्वती की आरती करनी है। अगर आपको माता सरस्वती की आरती नहीं आती है तो केवल गणेश जी की भी आप जो है ना अकेले कर सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम जो है ना गणेश जी को प्रधान माना जाता है। तो हमने जो है ना यहाँ पर आरती कर ली है। इसके बाद आपको जल का अर्घ देना है, और जल का अर्घ जो है ना इस तरह से दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, घुमाकर अपने ऊपर छिड़कना है इस जल को, ठीक है। इसके बाद जो है ना हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, और हाँ हल्दी चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके पास खड़ी हल्दी की गांठें नहीं है तो केवल पिसी हल्दी की गांठ भी आप चढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से। और फिर उसके बाद क्या करना है, आप सबको सिर झुकाकर प्रणाम करना है। प्रणाम करने का सही का यही होता है कि आप अपना सिर झुका लें, और जब आप किसी के सामने अपना सिर झुकाते हैं तो उससे जो है ना आपको बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिलता है। सिर जहां हम अपना सिर झुका लेते हैं वहीं से हमारा सिर जो है ना उठना शुरू हो जाता है। तो कभी भी जब भी मौका मिले अपने बड़ों का, अपने माता पिता को जो है ना हमेशा सिर झुकाकर प्रणाम कीजिए। और आपको एक बात बताना चाहूँगी मैं, यहाँ पर सरस्वती माता की पूजा चल रही है, तो अगर आप जीवन में अपनी तरक्की पाना चाहते हैं तो सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण जरूर छूइए, और केवल सवा महीने इस उपाय को कर दीजिए। जो भी दिक्कतें हैं जीवन में, जो भी परेशानियाँ हैं, जिस क्षेत्र में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा फल जो है ना मिलना शुरू हो जाएगा। तो माता पिता के चरणों में जो है ना बच्चे के तरक्की का रास्ता जाता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सरल तरीके से आपको बताया है। बाद में इस मिठाई को आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मीठा बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो थोड़ा सा जरूर खाइएगा, उसके बाद सभी को प्रसाद के रूप में बांट दिएगा। शाम के समय इस चौकी को आप हटा दीजिए। इस तरह से माता सरस्वती की पूजा की जाती है। जो हमने मोर पंख रखे हैं उन मोर पंखों को उठाकर आप अपनी पढ़ाई वाली टेबल पर आप रख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। राधे राधे, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।